इस वीडियो में हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और इस थ्योरी के अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे हमें पता है कि मैटर किसी भी चीज़ को कहते हैं जिसका कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश केमिस्ट थे उन्होंने बताया कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एक एटम होता है और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं एटीन में डाल्टन ने अपनी फेमस थ्योरी दी जिसे डाल्ट एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के डिफरेंट पॉस्टुलेट्स थे फर्स्ट पॉइंट कि मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बना होता है जिनको एटम्स कहते हैं सेकेंड पॉस्टुलेट कि एक ही एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं दैट मीन्स किसी भी एक एलिमेंट के सभी एटम्स शेप साइज मास और प्रॉपर्टीज में सिमिलर रहेंगे आइडेंटिकल रहेंगे थर्ड पॉइंट था डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से साइज शेप मास और प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं मैटर का सबसे छोटा पोर्शन एटम होता है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पार्टिसिपेट करता है एक ही एलिमेंट के एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं जब एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो वो हमेशा ही होल नंबर रेशियोज़ में कंबाइन करते हैं किसी भी फिजिकल चेंज में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुल थी सभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने में

सेकेंड लिमिटेशन वॉज दैट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से मास साइज और वैलेंसी में क्यों डिफर करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि क्यों डिफरेंट एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं मैटर थ्री स्टेट्स में सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस में क्यों एग्जिस्ट करता है ये भी डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी एंड लास्टली इट कोड नॉट गिव अ क्लियर डिस्टिंगशन बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल